भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विवाद पैदा कर रही है, इंडिया गठबंधन से बौखला गई है भाजपा। अगर अलायंस नहीं होता तो आज भारत को इतना लोग प्यार नहीं दिखाता। ये जनसंख्या लोग हैं, इनको प्यार से कोई लेना देना नहीं, इनको देश से कोई लेना देना नहीं। सभी देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम है, क्या सभी नोटों को आप बंद कर देंगे? गेटवे ऑफ इंडिया क्या नाम देंगे? इंडिया गेट का क्या नाम देंगे? मैं कहना चाहता हूँ ये विवाद नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय, इसको बंद कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। आप इंडिया से मत घबराइए, राहुल गांधी से मत घबराइए। आप 24 में आपको समाप्त हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, हम हिंदुस्तानी, आई एम एन इंडियन, दैट्स ऑल। देखिए, ये देश के लिए बहुत घातक है इस तरह का डिबेट होना। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विवाद पैदा कर रही है, इंडिया गठबंधन से बौखला गई है भाजपा। अगर अलायंस नहीं होता तो आज भारत को इतना लोग प्यार नहीं दिखाता। ये जनसंख्या लोग हैं, इनको प्यार से कोई लेना देना नहीं, इनको देश से कोई लेना देना नहीं। मैं जानना चाहता हूँ, देश में सभी देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम है, क्या सभी नोटों को आप बंद कर देंगे? मुंबई अंग्रेजों का नाम है, क्या बंद कर देंगे? गेटवे ऑफ इंडिया क्या नाम देंगे? इंडिया गेट का क्या नाम देंगे? भारत का दरवाज़ा बताइए। वर्ल्ड के पैमाने पर हास्यपद करना, हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है इस पर। देखिए, नहीं नहीं, मैं देखिए, जो एक्टर और जो क्रिकेटर जो विवाद में फंसा है, इंडिया और भारत विवाद में, भाजपा के कहने पर बाहर जाइए, मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग सुनिए, मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए। आपका बहुत बड़ा फैन हम भी थे, लेकिन इस तरह का आपने घिनौना जो आपने ट्वीट किया या मैसेज देने का साथ, मैं नाम क्यों, आप समझ जाइए। आप लोग सुनिए, आप इतना हितैषी भाजपा हो गए, आप लोग कभी आप सोचे नहीं कि आपका भी कोई समर्थक है? मैं वीरेंद्र सहवाग को बहुत अच्छा जान देखता था, फॉलो करता था, इतना हार्ड हिटर, क्या आप, मैं कभी आपको चाहूँगा क्या? मैं कितना बड़ा पाप हो गया हमसे जो आपको चाह लिए, आपके मन में इतना गंदा। इसलिए मैं कहूँगा, देखिए, देश के प्रधानमंत्री का जो फ्लाइट है, देश के जो फ्लाइट है उसकी कीमत कितनी है? उसमें क्या लिखा है बाहर? क्या लिखा है बाहर? इंडिया। तो मैं कहना चाहता हूँ ये विवाद नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय, इसको बंद कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। आप इंडिया से मत घबराइए, राहुल गांधी से मत घबराइए। आप 24 में आपको समाप्त हम लोग करने जा रहे हैं, बस। देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ठीक है। मैं देखिए, आप बात सुनिए, अब लेनिन हो या स्टालिन हो, कोई भी हो, कहाँ के हैं वो लोग, हमें तो नहीं जानकारी। हम झारखंड के, सुनिए, आप झारखंड से हैं, आपका चैनल झारखंड का है, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप बात कीजिए तो हम आपको जवाब देंगे। अब उसने क्या कहा, नहीं आप तो सुने नहीं। देखिए, बाबूलाल जी से आप ये पूछिए कि किस पार्टी से चुनाव जीते हैं, आपको किसने वोट दिया, कहाँ चल गए, कहाँ से आप आए थे। भाजपा के जाने के बाद क्या इतना नफरत आप कैसे बोल सकते हैं? आपके अंदर इतना नफरत मन में कैसे पैदा होगी बाबूलाल जी? सनातन धर्म, देखिए, सबका रिस्पेक्ट है, ठीक है, इस देश में सबका हम सम्मान करते हैं, सबको हम लोग लेके चलते हैं, तो ये विवाद होना ही नहीं चाहिए। ये बात का मुद्दा नहीं है, सबका अपना अपना अधिकार है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने सबको अपना अधिकार दिया है, ये कहाँ से विवाद आप लोग कर रहे हैं? आप लोग से पूछने में देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने नौकरी का, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, एक मिनट, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने नौकरी का अंबार लगा दिया। अब कोर्ट पर तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन हमारी सरकार का प्रयास है कि हम युवाओं को रोजगार दें, नौकरियाँ दें। अब बीच में कुछ बाधाएं आई है तो उसको हम लोग त्रुटि को सुधारेंगे, लेकिन हम चाहते हैं, हमारी मंशा है कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, वो युवाओं के लिए काम कर रही है, युवाओं को हम जितना अच्छा से अच्छा उसके लिए काम कर रहे हैं। और रही बात कोर्ट का जो रोक है, इस पर तो टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में और भी हम लोग बहाली निकालने जा रहे हैं। एक संदेश दे रहा हूँ, नहीं एक संदेश है, नहीं मैं, अरे The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.